रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, अरे ये कौन नहीं जानता। मगर वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, मगर वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक किस क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमने बना दिया है, उन दोनों वीडियो को जाकर आप देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। और पार्ट 3 का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों ये पार्ट 3 है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की ही वीडियो देख लीजिए। दोस्तों हमने सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस की बात की है, सेंटेंस के पहचान की बात की है। दोस्तों यदि आप सेंटेंस को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको क्लाजेस आएगा, अगर आप सेंटेंस को ठीक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लाज नहीं बना पाएंगे, क्लाज के सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है दोनों वीडियो को पढ़ना। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में दूसरे टाइप की चर्चा करेंगे, यानी हमने दोस्तों आपको बताया था सेंटेंस दो बेसिस पर, दो काइंड के सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के, एक स्ट्रक्चरल बेस के आधार पर, एक फंक्शनल बेस के आधार पर। स्ट्रक्चरल बेस के आधार पर हमने आपको 3 सेंटेंस समझाए थे, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी स्ट्रक्चरल बेस को हमने आपको पहले उसका एक्सप्लेन किया, सेंटेंसेस के तीनों सेंटेंसेस को पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके बाद एक वीडियो आइडेंटिफिकेशन का बनाया कि आपको 11 सेंटेंस दिए जिसमें आपको पहचानना था कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। और आज दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, आज हम दूसरे टाइप पर चलेंगे, फंक्शनल बेस पर चलेंगे। फंक्शनल बेस पर 5 टाइप के सेंटेंस हमारे सामने होते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों समझना। आज हम सेंटेंस के फंक्शनल बेस की चर्चा करेंगे, यानी फंक्शनल बेस पर सेंटेंस के जो टाइप होते हैं दोस्तों, वो फंक्शनल बेस पर हमारे सामने 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस हमको पढ़ना है फंक्शनल बेस पर। तो चलिए सबसे पहले टाइप की चर्चा आपके साथ कर लेते हैं दोस्तों फंक्शनल बेस पर। फंक्शनल बेस पर जो पहला टाइप आता है उसको दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पहला टाइप लिख लीजिएगा दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक सबसे खास बात आपको बताता हूँ दोस्तों, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप होते हैं। इसमें पहला टाइप दोस्तों आपको देखने को मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आपको पहला टाइप देखने को मिलता है दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सेंटेंस का पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज नोन एज अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दोस्तों। जब भी हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखने को आपको मिलता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपको देखने को ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगर इस प्रकार का कहीं भी स्ट्रक्चर हो दोस्तों, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उस सेंटेंस को दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव के भाग में आता है, असर्टिव में आता है। चलिए जैसा कि मैंने दोस्तों आपके सामने एक सवाल लिखा, मैंने लिखा मानसी इज रीडिंग अ पोयम। तो आपने इस सवाल को देखा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ मानसी। इज इस सेंटेंस की क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई। रीडिंग इस सेंटेंस की क्या हुई, मेन वर्ब हुई। और ये व्हाट, व्हाट किसका, ये व्हाट से जवाब दे रहा अ पोयम, तो ये सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि दोस्तों हमने इस सेंटेंस में समझा कि अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उस सेंटेंस को दोस्तों, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को दोस्तों हम जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से। तो ये बहुत आसान बात हो गई, यानी हमने इसको आराम से देख लिया, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये कैसा सेंटेंस होगा दोस्तों, ये आपने कहा कि सर ये अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। चलिए अब इसी में हम इसी के टाइप में डिक्लेरेटिव में ही दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और डिक्लेरेटिव में हमने दूसरे टाइप की तरफ देखा, दूसरा टाइप होता है दोस्तों डिक्लेरेटिव में ही निगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा टाइप आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस, या आप ऐसा भी मान सकते हैं दोस्तों
कि डिक्लेरेटिव में दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। जब भी दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हुए दोस्तों जिनमें नॉट लगा होता है, जिनमें नॉट आता है, जिनमें निगेटिव मीनिंग आती है। तो निगेटिव मीनिंग को शो करने के लिए, निगेटिव मीनिंग को शो करने के लिए दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत आसान है, सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको एक शब्द से मिलना पड़ता है जिसे नॉट कहते हैं, और नॉट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। चलिए इसी सवाल को मैं निगेटिव बना देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा मानसी, मैंने जैसे कि लिखा मानसी इज नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग अ पोयम। तो ये सवाल दोस्तों क्या बन गया, ये सवाल अपने आप में निगेटिव बन गया। ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये नॉट हुआ निगेटिव वर्ड, ये अपने आप में मेन वर्ब हुआ, और ये अपने आप में क्या है दोस्तों, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हमने निगेटिव सेंटेंस को भी बेहतर ढंग से समझ लिया। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हुए जिनमें नॉट लगा होता है। चलिए तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव को आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ दोस्तों, इंट्रोगेटिव के दो टाइप हमारे सामने आते हैं। इंट्रोगेटिव बेसिकली दो टाइप के होते हैं, और इंट्रोगेटिव दोनों टाइप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव का पहला टाइप होता है दोस्तों अपने आप में, इंट्रोगेटिव का पहला टाइप होता है दोस्तों क्लोज एंडेड। इंट्रोगेटिव का पहला टाइप आप पढ़ेंगे क्लोज एंडेड, दूसरा टाइप दोस्तों आप पढ़ेंगे ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दो टाइप के इंट्रोगेटिव हमको पढ़ने होंगे, पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। चलिए दोस्तों क्लोज एंडेड क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपने, जैसा कि मैंने कहा कि क्या आपने लंच किया है, क्या आपने लंच किया है, तो आप इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे या तो यस में या तो नो में, या तो इस सवाल का जवाब हमें देंगे यस में या तो नो में। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें यस या नो में मिलता है उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हमें यस या नो में मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्लोज एंडेड। इसका स्ट्रक्चर लिखिए, इसके स्ट्रक्चर में, क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर में दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे, क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर। तो ये है आपके क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर आपने समझा। इसके बाद दोस्तों आपने देखा क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसा कि मैंने लिखा हैव यू फिनिश्ड द लंच। तो इस सवाल को आप गौर से देखिए, हैव यू फिनिश्ड द लंच, क्या आप अपना लंच खत्म कर चुके हैं, तो आप इसका जवाब किस में देंगे, या तो यस में या तो नो में। तो ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हमें, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें या तो यस में मिले या नो में मिले, ऐसे स्ट्रक्चर को क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। चलिए अब ओपन एंडेड पर आइए। इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आपने क्या लंच किया है, आपने क्या लंच किया है, तो इस सवाल को अगर आप देखिए दोस्तों कि आपने क्या लंच किया है, तो क्या इसका उत्तर, इसका आंसर मैं यस या नो में दे सकता हूं, नहीं। इसके आंसर के लिए दोस्तों हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, इसके आंसर के लिए हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, व्याख्या की जरूरत होगी। यानी इसके आंसर में हमको डिटेलिंग देना होगा, इसके आंसर में हमको डिटेल बात करनी होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन एंडेड कहते हैं। तो ओपन एंडेड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ओपन एंडेड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके आंसर के लिए हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, व्याख्या की जरूरत होती है, या डिटेल देने की जरूरत होती है, उसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप। ओपन एंडेड के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद दोस्तों आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद आगे की जो भी बात है उसको आप लिख देंगे। तो ये रहा आपके ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर।
तो ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों आपको कह दूं एक एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे, इसके आंसर के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, हमने डिस्कस कर लिए पहला टाइप, हमने डिस्कस कर लिया अफर्मेटिव, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया नेगेटिव, तीसरा हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट सेंटेंस को हम दोस्तों इधर ऊपर की तरफ लिखना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी में फिर नोट कर लीजिएगा, मैं शहीद हो जाता हूँ। चलिए अब दोस्तों मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट टाइप आप लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइप को हम नाम देंगे फोर्थ टाइप है दोस्तों ये, और इस फोर्थ टाइप को अपन लोग नाम देना चाहेंगे अपने आप में दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चौथा टाइप रहा आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत गौर से सुनिएगा समझिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख देता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कई बार आप लिखते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया, सिट डाउन, तो इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में दोस्तों सिट डाउन बैठ जाओ, तो इस सेंटेंस में आप देखिए अंडर स्ट्यूड होता है क्या, इस सेंटेंस में अंडर स्ट्यूड होता है यू क्या होता है, यू अंडरस्टूड होता है, यानी अगर मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि बैठ जाओ, तो मैं किसी सामने वाले को ही इंसान को ही कह रहा हूँ, और सामने वाला इंसान सेकंड पर्सन यू होता है, तो यू अंडरस्टूड होता है। तो सिट डाउन मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, सिट डाउन जो भी सामने है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी यू नाम के पर्सन यू के लिए मैं सिट डाउन का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसमें हमने कहा कि ऐसे सवाल इसमें सिट डाउन, जैसे मान लो दोस्तों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कह दिया, जैसे कि मैंने कह दिया दोस्तों हेल्प द नीडी, तो इसको गौर से समझिए, मैंने कह दिया हेल्प द नीडी। अब देखिए हेल्प द नीडी के लिए हमने क्या कहा, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इस सवाल में दोस्तों क्या है हेल्प द नीडी, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें किसको कर रहा, हेल्प द नीडी मदद करो, नीडी जरूरतमंद की मदद करो, तो सामने वाला इंसान क्या है, यू क्या है, छिपा हुआ है दोस्तों, यू क्या है, छिपा हुआ है, यू अंडरस्टूड है, ठीक है। मैं किसी सामने वाले को ही कहूंगा, सामने वाला पर्सन सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू क्या है, यानी कि यू जो है अंडरस्टूड है। चलिए अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं लिख सकता हूँ आपके सामने आर ओ सी ए डब्ल्यू पी, इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों रिक्वेस्ट बताई जाए तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों ऑर्डर दिया जाए तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर नहीं तो फिर कमांड बताई जाए, कमांड दिया जाए तो कमांड बताने के लिए भी इंपेरेटिव सेंटेंस, या फिर किसी सेंटेंस में एडवाइस सलाह दी जाए तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, किसी सेंटेंस में अगर वार्निंग दी जाए, चेतावनी दी जाए तो इसको बताने के लिए भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, या फिर किसी सेंटेंस में दोस्तों प्रोहिबिशन, किसी चीज के लिए मना किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। रुक जा वेडिंग से पहले, इसका ट्रिक है रुक जा, लिख सकते हैं आप ट्रिक के साथ रुक जा वेडिंग से पहले, तो रुक जा वेडिंग से पहले, तो इसमें आप इसमें आपने ट्रिक लिख दिया रुक जा वेडिंग से पहले, इसका मतलब आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, ए से एडवाइस, डब्ल्यू से वार्निंग, पी से प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है दोस्तों मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, ठीक है। ये रहा दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर ये कुछ भी बताया जाए तो वो सबके सब इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये अपने आप में दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कितना आसान हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस तक की कहानी आपको क्लियर है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, उम्मीद करता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं,
नेक्स्ट पर चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लिख लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करिए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि दोस्तों एक क्वेश्चन में सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी दोस्तों ऐसे सवाल, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को दिखाने के लिए दोस्तों हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सडन फीलिंग को दिखाते हैं, मन में आई हुई अचानक भावनाओं को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो हमने सोचकर नहीं बोले उसको बताने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जो हमने सोचकर नहीं बोले उसको एक्सक्लामेटरी। मान लीजिए आप किसी मैच को देख रहे हैं और किसी खिलाड़ी ने बहुत जोरदार ढंग से शॉट लगाया, तो आप कहेंगे ओ व्हाट अ शॉट दैट वाज, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहेंगे जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को दिखाते हैं, यानी सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, पहले आप इसमें एक्सक्लामेशन मार्क यूज करेंगे। एक्सक्लामेशन मार्क के बाद दोस्तों आप इसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, तो इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये इसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ तक आपने यहाँ लिख दिया, चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा वाओ आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, क्वालिफाइड द एग्जाम। तो इस सवाल को जरा आप गौर से देखिए, वाओ हमने देखा, वाओ के नीचे हमने क्या लगाया, एक्सक्लामेशन मार्क, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क हो गया। इसके बाद आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, ये अपने आप में कैसा सेंटेंस है, ये अपने आप में दोस्तों डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहले ही बता चुका हूँ। क्या एक्सक्लामेटरी तक की बात आपको समझ में आ गई? एक्सक्लामेटरी में हमने क्या कहा, हमने एक्सक्लामेटरी में इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, इंटरजेक्शन मार्क का यूज करते हैं। तो ये आपके सामने क्या रहा, इंटरजेक्शन मार्क रहा। मैं शायद होता हूँ, इसको लिख लीजिए, अपने आप में क्या रहा, इंटरजेक्शन मार्क रहा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लास्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है दोस्तों अपने आप में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी टाइप इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, लास्ट टाइप है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने दोस्तों जाना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, किसी चीज की इच्छा प्रकट करते हैं, विश, या फिर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर आप किसी इंसान को या किसी चीज के लिए बददुआ देते हैं, विश प्रे या कर्स लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद का भी यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, बददुआ या आशीर्वाद दिया जाए, आशीर्वाद के बारे में बताया जाए, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए हमने लिखा, मान लीजिए गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू अपने आप में क्या है दोस्तों, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सवाल में विश प्रकट किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा मे आई हेल्प यू, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी क्या प्रकट किया जा रहा, विश प्रकट किया जा रहा, तो किसी प्रकार की समस्या है नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट टाइप था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने और बना देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा हेवन स्वर्ग, हेवन वी फेल ऑन यू, तो ये भी अपने आप में क्या, इसमें आपको कर्स प्रकट किया जा रहा, बतुआ दे जा रही है। तो ये सवाल कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को फंक्शनल बेस पर भी समझ लिया, स्ट्रक्चरल बेस पर हमने पहले ही समझ लिया था, यानी सेंटेंस को दोनों बेसों पर हमने कंप्लीट कर दिया है, स्ट्रक्चरल बेस पर भी और फंक्शनल बेस पर भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होगी।
पूरे के पूरे वीडियो को नोट करिएगा। अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आएगी तो दूसरी बार वीडियो को देखकर नोट करिएगा। हालांकि एक बार में चीजें समझ में आ जाएगी, बस अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम मित्रों तक, और वीडियो अच्छा लगा अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को पर्याप्त मोहब्बत दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।